पुरानी दिल्ली की एक हवेली में एक तवाय प्रेती थी, नाम था नूरबाई। उष्ण और अदाय ऐसी कि बड़े बड़े एक झलक पाने को तरसते थे। उस वक्त के रईस और ताकतवर लोगों के बीच नूरबाई की अपनी ठसक थी। नूरबाई के इन्हीं कदरदानों में से एक था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। शाह ने सिर्फ 17 की उम्र में ही बादशाह की गद्दी संभाली थी। ये वो दौर था जब मुगलों का सूरज डूबने लगा था, इसके बावजूद उनकी विलासिता में कोई कमी नहीं थी। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तो ऐसा बादशाह था जो शराब, शवाब और मौसीकी में डूबा रहे था। उसके रंगीन मेजाजी ने तो उसे रंगीला के नाम से मशहूर कर दिया था। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की महफिलें बड़ी शानदार होती थी। लाल किले के बगीचों में सजने वाली उन महफिलों में पुरानी दिल्ली की कई तवायफें होती थी, नूरबाई भी। नूरबाई कोई आम तवायफ तो नहीं थी। रईस उसके दीदार को तरसते थे। वह नजराने में ढेर सारा पैसा और बेशकीमती तोहफे लिया करती थी। कहते हैं कि नूरबाई की हवेली के बाहर मुगल दरबार के हाथी खड़े रहते थे। वह अक्सर उन्हीं में से एक हाथी पर सवारी करते हुए दिल्ली की सड़कों पर निकलती। देखने वालों का मजबा लग जाता। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को नूरबाई बड़ी पसंद थी। नूरबाई को अक्सर रंगीला के आसपास पाया जाता। इसी करीबी के चलते नूरबाई को ऐसे बेशकीमती हीरे के बारे में पता चला जिसके बारे में लोग बस अफवाहें सुनते थे। ये हीरा था कोहिनूर। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह अपनी पगड़ी में ये हीरा छिपाकर रखते थे। कोहिनूर को चुनिंदा लोगों ने ही देखा था और नूरबाई अब उनमें से एक थी। नूरबाई को मोहम्मद शाह रंगीला से कोई लगाव नहीं था। वक्त आया तो उसने पाला बदल दिया। कई इतिहासकारों के अनुसार जब ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला तब नूरबाई की नीयत भी बदल गई। उसने मुगल बादशाह को धोखा देकर नादिर शाह को कोहिनूर के बारे में बता दिया। फिर नादिर शाह ने बड़ी चालाकी दिखाई। उसने बादशाह को शांति समझौते के लिए बुलाया, फिर रिवाज में पगड़ियां बदलवाई। इस तरह मोहम्मद शाह रंगीला के हाथ से निकलकर कोहिनूर हीरा नादिर शाह के पास जा पहुंचा। नूरबाई के धोखे की वजह से कोहिनूर हीरा हमेशा के लिए मुगलों से छीना गया। नादिर शाह कोहिनूर को अपने साथ ले गया। इसी के साथ शुरू हुआ कोहिनूर हीरे का रक्त रंजित इतिहास। आखिर में कोहिनूर हीरा ब्रिटिश घराने के एक मुकुट में जड़ दिया गया। तब से अब तक वो वहीं पर है, मगर नूरबाई से उसका कनेक्शन कम ही लोग जानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।